हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुआ की रेसिपी। वह है रागी के आटे से बना हुआ पुआ। बहुत लोग इसको मड़ुआ का आटा भी बोलते हैं। तो आप इस होली पर रागी के आटे से मलपुए बनाइए और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। और ये पुआ बस 2 से 3 चम्मच तेल में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बर्तन, और बर्तन में ये हमने रागी का आटा लिया है। तो हम यहाँ पे आधा कटोरी मेरा रागी का आटा है, यानी मरुआ का आटा, ये मार्केट में आपको मिल जाती है। और फिर उसमें हम आधा कटोरी डालेंगे गेहूं का आटा। तो दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए, आधा कटोरी रागी का आटा और आधा कटोरी गेहूँ का आटा। अब हम कुटी हुई 2-3 हरी इलायची को डाल दिए हैं, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है, तो इसको हम आधा चम्मच डाल देंगे ताकि हमारे पुआ जो है अच्छी तरह से फूल सके। तो देखिए, हमने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा को डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हम एक चमचे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद यहाँ हम लेते हैं दूध। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी दूध लिया है, और 1 कटोरी पूरा दूध हम एक बार में नहीं डालेंगे। तो हमने थोड़ा दूध डाला है, और थोड़े दूध डाल करके इस तरह से इसको मिलाएंगे। और थोड़ा दूध अभी बचा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूँगी। तो अब देखिए, मैंने उतना दूध डाल करके इसको मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद जब गाढ़ी रहेगी तो मैं और दूध मिलाऊँगी। तो अब देखिए, इस तरह से इतना ये हुआ है ऐसा मेरा। अब हम और इसमें दूध बचा हुआ था उसको मिलाएंगे, क्योंकि अभी और इसमें गाढ़ी है हमारी बैटर। तो अब हम दूध डालेंगे और। तो देखिए, बचा हुआ दूध हमने यहाँ पे सारा डाल दिया है। और फिर से इसको अच्छी तरह से दूध को इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपकी बैटर इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी बैटर ज़्यादा अगर पतली हो गई है तो थोड़ा सा आटा और आप मिला सकते हैं, दोनों में से जो भी हो आटा। अगर बैटर अगर गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। अगर इस तरह की बैटर आपकी है तो अच्छी है पुआ बनने के लिए। अब तैयार हो गई है। इधर हम गैस पे पैन को चढ़ाते हैं, चाशनी तैयार करेंगे पहले हम। तो हमने यहाँ पैन चढ़ा दिया है, और पैन में हम डाल देते हैं 1/2 कप चीनी। तो हमने 1/2 कप यहाँ पे चीनी डाल दिया है, और 1/2 कप चीनी डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी 1/2 कप से भी कम हमने यहाँ पे पानी उसमें डाल दिया है। और पानी डाल करके हमें चलाते हुए इसको चाशनी तैयार करना है। तो हमें 1 तार की इसमें चाशनी होनी चाहिए। तो हम 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, चीनी घुल चुकी है। तो अब थोड़ा सा इस तरह से चाशनी ले, और देखिए उंगली से इस तरह से आप सावधानी से ले, क्योंकि गर्म होती है। देखिए 1 तार बन रही है, यानी कि हमारी चाशनी 1 तार की तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और साइड में चाशनी को रख देंगे। इधर फिर हम गैस पर चढ़ा लेते हैं फ्राई पैन, और इसमें हम पुआ को छानने के लिए डाल देते हैं वायल। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ 2 से 3 चम्मच वायल ही डाली हूँ। ज़्यादा वायल आपको पूरा नहीं डालना है, क्योंकि कम ही वायल में पुआ रागी का हो जाता है, ज़्यादा वायल इसमें नहीं लगता है। तो आप देख रहे होंगे, ज़्यादा हमने वायल नहीं डाला है। वायल हमारी गर्म हो गई है, और गैस को हम मीडियम कर दिए हैं। और इस तरह से फिर हम बैटर इसमें 1-2 चम्मच इसमें डाल दीजिए, जितना बड़ा छोटा आकार आप पसंद करते हैं। अब देखिए, एक तरफ ये हमने 2 मिनट छोड़ दिया था, और एक तरफ गोल्डन हो चुकी है। दूसरी तरफ 2 मिनट के बाद हम पलट देते हैं, तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम गोल्डन कर लेंगे। तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से हमारे पुआ तैयार हुई है। तो आप इस तरह से डाल करके सभी पुए को तैयार कर लीजिएगा। ये रागी यानी कि मड़ुआ के आटा का पुआ, रागी का आटा का पुआ। अब इसको हम छान लेते हैं इस तरह से, और बारी बारी से सभी पुआ को डाल करके हम इसी तरह से छान के निकाल लेंगे। फिर से हम दूसरा पुआ भी इसी तरह से डाल देते हैं, और इस तरह से डाल करके हम सारे पुए को छानेंगे और निकालते जाएंगे। और इधर हम देख रहे हैं चाशनी हमारी जो रखी हुई है, तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, और लेकिन पुआ तो गर्म है।
तो ठंडी चाशनी में अब हम पुआ को डालेंगे। तो पुआ हम उस तरफ से निकाल रहे हैं और एक तरफ इधर हम डालते जाएंगे। तो गर्म ही है पुआ, उसमें हम चाशनी में इसको डाल देते हैं और इस तरह से एक चमचे से इसको डिप कर देते हैं। तो ऊपर नीचे हो जाएगी इस तरह से, चाशनी इसमें अंदर तक चली जाएगी, तो आप देख रहे होंगे। और मैं दूसरा पुआ डाली हूँ, फिर मैं दूसरा पुआ को छान के निकालूंगी और फिर इसी में मैं डालूंगी। तो देखिए हमने पुआ को छानते हुए और इसमें डालते हुए डिप करते हुए चाशनी में अच्छी तरह से ये डिप हो गई है। अब हम एक प्लेट लेते हैं, तो हमने इसमें 2-3 मिनट के लिए सब पुआ को छोड़ दिया था, तो अच्छी तरह से चाशनी इसके अंदर चली गई है। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, तो इस तरह से आपको प्लेट में निकाल लेना है। तो ये हमारा पुआ बन करके रागी का तैयार हो गया है, यानी मरुए के आटा का। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही लाजवाब लगता है, खाने में बहुत ही सौंधी और अच्छी लगती है। तो अगर मेरा ये पुआ बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।